आ गए हैं अभी अटल टनल पे। व्हाट अ व्यू मैन, व्हाट अ व्यू। ताज़ा ताज़ा बर्फबारी हुई है कल रात में, एंड लुक एट द माउंटेन। ये वही जगह है जहाँ मैं 3 साल पहले आया था अपने दोस्तों के साथ। मैंने भी नहीं सोचा था कि कभी मैं अपनी खुद की बाइक से यहाँ पे आऊँगा। चिड़िया जो है, बहुत सारी चिड़िया आपको वहाँ दिख रही होंगी, चांदी और सोने की चिड़िया यहाँ पे चढ़ाए जाने की प्रथा है। सो वी आर एट द हिडिम्बा देवी टेम्पल कॉम्प्लेक्स। हिडिम्बा देवी, वो यहीं उनका वास था, उनका यहीं मंदिर बनाया गया है। सो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ इट्स, इट इज़ अ वेरी प्लेजेंट मॉर्निंग हेयर इन जिस्पा। एंड हम लोग रात को आए थे तो हम लोग ये व्यू मिस कर दिए थे, इतना ऑसम व्यू मुझे पता नहीं था। आप भी देखें, वो देखिए, ताज़ा बर्फबारी हुई है कल रात में ही, और सुबह ये घाटियों के ऊपर हमारा कैंप है, और दूसरी तरफ भी सेम वैसा ही पहाड़, वो ऊपर पीछे बर्फ़ दिख रही है आपको, और एक यहाँ पे ताज़ा बर्फबारी हुई है। एंड जस्ट लुक एट द व्यू, and this is our camp and you can see the view in the front of our camp. Yaar, what a view man, what a view. Taza taza barfbari hui hai kal raat mein, and look at the mountain, look at that, kya view hai, by god maza aa gaya. Ye hum log raat ko aaye the to hum log dekh nahi paaye the. Bahut hi shandar view yaar. Piche jo hai ek ऑसम सा माउंटेन वाला व्यू है, तो और क्या चाहिए आपको लाइफ में, सुकून से जियो। और अभी हम लोग का ब्रेकफास्ट लग गया है, हम ब्रेकफास्ट करेंगे, उसके बाद थोड़ा सा यहाँ बैठेंगे सुकून से, फिर हम लोग निकलेंगे आज मनाली के लिए। हमें 11 से 12 बजे तक मनाली पहुँचना है, ज़्यादा दूर नहीं है, 50-60 किलोमीटर मनाली है, और उसके बाद फिर आपसे मिलते हैं हम मनाली में। तो चलिए पहले ब्रेकफास्ट करें। आ गए हैं अभी अटल टनल पे, यहाँ हो रही हमारे बीच में देश के लोकप्रिय अटल टनल, और ये पूरा जो एरिया है ये बीआरओ द्वारा डेवलप की गई है। और जैसा मेरे दोस्तों ने बताया था कि ये जो अटल टनल 10 किलोमीटर के करीब लंबी है, और आसपास का बहुत ही सुंदर है, आप देख सकते हो टनल के आसपास में, और शायद टनल के अंदर से निकल गए, तो ये टनल बनने से मनाली 33 किलोमीटर। फेमस अटल टनल,
और वहाँ पे क्या है, रुकने का परमिशन नहीं था, इसलिए मैं वीडियो वहाँ पे ख़त्म नहीं कर पाया। तो जब मैं बाहर आ गया हूँ 1 किलोमीटर बाद सोलंग वैली में, और उसके बाद मैं बता रहा हूँ, तो अटल टनल बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, बहुत लॉन्ग है, एटलीस्ट 10 किलोमीटर लॉन्ग है, और उसके दोनों तरफ से 10-10 किलोमीटर लॉन्ग है। मैंने मीटर में भी चेक किया, 10 से थोड़ा ज़्यादा ही है, 10.25 किलोमीटर है। और अभी इस वक्त हम आ गए हैं सोलंग वैली में, सोलंग वैली, और ये वही जगह है जहाँ मैं 3 साल पहले आया था अपने दोस्तों के साथ। और ये जो जगह पूरी दिख रही है, यहाँ पे पूरी बर्फ़ जमी हुई थी और हमने उसमें आइस स्केटिंग किया था। और वो पीछे पूरा सोलंग वैली का जो वो पहाड़ पूरा पीछे दिख रहा है, वहाँ पे पूरा टोटल बर्फ़ से ढका हुआ था, और हम लोग वहाँ एडवेंचर करने के लिए गए थे। तो मैं अब यहाँ से थोड़ा देर रुक के यादें ताज़ा कर रहा हूँ। मैंने भी नहीं सोचा था कि कभी मैं अपनी खुद की बाइक से यहाँ पे आऊँगा। तो अब हमारी टीम पहुँच गई है लोकेशन पे, होटल पे। मैं थोड़ा पीछे यादें ताज़ा कर रहा था तो पीछे रह गया, तो चलते हैं होटल पे और हमारी टीम से कैचअप करते हैं, फिर हम मनाली घूमेंगे। तो सी यू गाइस देन। सो वी हैव रीच्ड मनाली एंड वी आर इन आर होटल, और हम नहा धो के तैयार हो गए सब लोग। हम लोग मनाली एक्सप्लोर करने जा रहे हैं। सबसे पहले हिडिम्बा देवी टेम्पल हम लोग जाएंगे, उसके बाद हम लोग मॉल रोड जाएंगे, थोड़ा देखेंगे कुछ खरीदने लायक है तो खरीदेंगे, नहीं तो पूरा मनाली घूमेंगे। मैं 3 साल पहले भी आया था, तो मैं वो एक्सप्लोर करूँगा कि 3 सालों में क्या क्या चेंज हुआ यहाँ पे। और होटल से आप व्यू देख सकते हैं हमारी बालकनी से पीछे, ये देखें आप, हमारे बालकनी से व्यू है, बादल जो पहाड़ को टच कर रहा है, आहा हा क्या सीन है। और बुलावा आ गया है, चलते हैं और आपसे मिलते हैं मनाली के मार्केट में। तो वी आर एट द हिडिम्बा देवी टेम्पल कॉम्प्लेक्स। देवी हिडिम्बा का नाम आप सबने सुना होगा, महाभारत काल में महाबली भीम की दूसरी वाइफ और घटोत्कच की मदर हिडिम्बा देवी, वो यहीं उनका वास था, उनका यहीं मंदिर बनाया गया है। तो हम आ गए हैं यहाँ हिडिम्बा देवी टेम्पल कॉम्प्लेक्स में, और चारों तरफ हमारे देवदार के ट्रीज हैं, आप देख रहे होंगे, बहुत सुंदर जगह पे। वो रहा पीछे मंदिर, और ये मंदिर आपने देखा होगा, ये जवानी है दीवानी मूवी में, और मैं 3 साल पहले भी आ चुका हूँ यहाँ पे, तो अभी थोड़ा सा चेंज लग रहा है मेरे को, लेकिन उतना भी नहीं है, काफ़ी 3 साल पहले जैसा ही है, हल्के फुल्के चेंज है। और मैं लाइन में लगना पड़ेगा, पिछली बार मैं आया था तो यहाँ से यहाँ तक पूरा ऐसे लाइन थी लंबी, हम लोग 1 घंटे वेट किए थे, अभी तो पूरा खाली। डायरेक्टली हम लोग स्लीपर्स उतारते हैं और फिर अंदर चलेंगे। लेट्स गो इनसाइड। सो वी आर एट द घटोत्कच पूजा स्थल, जो वीर घटोत्कच थे, हिडिम्बा के पुत्र, हिडिम्बा और भीम के पुत्र, वो यहीं पे बैठ के अपनी उपासना किया करते थे, पूजा किया करते थे। यहाँ पे एक पिंडी है जिसको छूना मना है, और यहाँ पे सिर्फ चांदी और सोने की चिड़िया ही चढ़ाई जाती है चढ़ावे के रूप में, और त्रिशूल मतलब लोहे का अलाउड नहीं है, सिर्फ चांदी या सोने का ही। अब ये क्यों है, इसका रीज़न तो वहाँ नहीं लिखा, लेकिन बहुत बहुत सुंदर स्थान है वो पीछे जो है, वो है वीर घटोत्कच का पूजा स्थान। एंड ये उसी टाइम के पेड़ हैं सब, बहुत पुराने, आप मोटाई देख सकते हो, उसी समय के हैं, और आज भी पूजा होती है घटोत्कच की, माँ हिडिम्बा की। तो दिस इज़ द प्लेस जहाँ वीर घटोत्कच बैठ के पूजा करते थे, और बीच में एक पिंडी है वहाँ पे जो दिख रही होगी आपको, उसको छूना मना है, वो पवित्र पिंडी है। और घटोत्कच पूजा स्थान, घटोत्कच की स्टोरी यहाँ पे लिखी हुई है, बहुत लोग जानते भी होंगे आप लोग, ये पूरी स्टोरी है, आप चाहें तो पॉज करके भी इसको पढ़ सकते हैं, क्लियर दिख ही रहा होगा आपको, हिंदी में पढ़ेंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ पे घंटा त्रिशूल वगैरह चढ़ाया जाता है, चिड़िया जो है, बहुत सारी चिड़ियाँ आपको वहाँ दिख रही होंगी, चांदी और सोने की चिड़िया यहाँ पे चढ़ाए जाने की प्रथा है। और ये जैसा बोर्ड पे लिखा है, ये स्थान टूट फूट गया था 1997 में, इसको रिनोवेशन कराया गया, पत्थर पे लिखा गया वहाँ पे 1997। और ये स्थान हिडिम्बा टेम्पल वहाँ था, वहाँ से हम आए हैं, हिडिम्बा टेम्पल से 2 से 3 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस पे है, और चारों तरफ सिर्फ देवदार के सुंदर सुंदर पेड़ हैं आप देख सकते हैं, और पीछे हमारी वही पहाड़ी, चारों तरफ मौसम थोड़ा सुहाना हो गया, बारिश हो रही है, बहुत सुहाना मौसम हो गया। तो 3 साल पहले भी मैं आया था, पूरी यादें मेरी ताज़ा हो गई हैं, काफ़ी कुछ चेंज है पहले से, लेकिन सुंदरता अभी भी वही है। तो ये अभी हम नीचे उतर रहे हैं हिडिम्बा देवी टेम्पल कॉम्प्लेक्स से, मेरे दोस्त लोग थोड़ा आगे चले गए, नीचे रास्ता जाता है, फिर खूबसूरत देवदार का जंगल है यहाँ पे, और वो लोग थोड़ा चले गए, बहुत देर से भूखे बैठे थे, मैंने बोला मैं होके आता हूँ, तुम लोग वेट करो, वो बैठे होंगे वहीं पे, चलते हैं उनके पास। तो ऐसा यहाँ बोला जाता है कि अगर हिडिम्बा देवी के आप दर्शन कर रहे हैं तो आपको घटोत्कच पूजा स्थल
के दर्शन करना भी ज़रूरी है, लेकिन मेरे दोस्त लोग किए नहीं, मैं कर लिया। अच्छा है, जो भी उसका होगा लेखा जोखा पुण्य का वो मिल ही जाएगा। तो ये था हमारा हिडिंबा देवी कॉम्प्लेक्स मंदिर मनाली का। तो मिलते हैं आपसे अब जब हम लोग जाएंगे मॉल रोड पे। तो हम लोग आ चुके हैं मॉल रोड पे और सॉफ्टी ख़रीदा है, खा रहे ये सॉफ्टी है चॉकलेट और मैंगो मिक्स करके। और मतलब अच्छा खाली खाली लग रहा है क्योंकि थोड़ा सा ऑफ सीज़न है, अभी बारिश वारिश हल्की हो रही है तो थोड़ा सुहाना मौसम हो गया। हम लोग तो आने से पहले घबरा गए थे क्योंकि सेकंड वेव के बाद जो ज़बरदस्त भीड़ यहाँ दिखी थी, अच्छे खासे लोगों की फट के चार हो गई थी। लेकिन अभी थोड़ा माहौल ठीक है, भीड़ भी कम है क्योंकि वीकडे है, वीकेंड होता है तो ज़्यादा भीड़ होता है। तो भी और घूमते हैं, सबसे पहले तो अपन ने सॉफ्टी ख़रीदा है, सॉफ्टी खाते खाते और भी कुछ दिखेगा तो यहाँ पे देखा जाएगा। फिलहाल तो हम अभी घूम ही रहे, हमारे साथी लोग कुछ और काम से सीक्रेट काम से चले गए, सिर्फ हमें और राहुल भाई को अकेला छोड़ दिए। चलते देखते और भी क्या है मॉल रोड में। मैं तो पहले आ चुका हूँ तो मैं एक बार फिर से तब में और अब में फ़र्क महसूस कर रहा हूँ थोड़ा, वही देखते हैं क्या है। बहुत देर बाद ये व्लॉग बना रहा हूँ, अभी शाम के 4:45 हो रहे हैं। हम लोग मनाली छोड़े थे सुबह के 6 बजे और बारिश इतना तेज़ था, रूट थोड़ा ख़राब था, ट्रक पे ट्रक आ रहे थे तो बीच में हम लोग स्टॉपेज लिए भी तो व्लॉग बना नहीं पाया मैं। तो अभी हम लोग थोड़ा बारिश आसमान खुला है, पंजाब में आ गए हम लोग, पंजाब बॉर्डर क्रॉस कर चुके और सोच रहे हैं हम लोग कि दिल्ली चले जाएँ, 5-6 घंटे का रास्ता और है। हम लोग 12 में से 3 लोग ही बचे हैं, बाकी सब जा चुके हैं अपने अपने रास्ते वापसी में, सर्किट सब ने कंप्लीट किया, एक अचीवमेंट है सबके लिए। तो अभी डिस्कशन चल रहा है कि हम लोग दिल्ली जाएं या बीच रास्ते में कहीं रुक जाएं, चंडीगढ़ अम्बाला या और कहीं करनाल वगैरह। लेकिन मेरा पॉइंट ये है कि हम डायरेक्ट चले जाते हैं दिल्ली, मुझे तो गुड़गांव जाना है, दिल्ली जाना भी नहीं तो मैं थोड़ा पहले ही पहुँच जाऊँगा, तो इसलिए डायरेक्ट दिल्ली रुकते हैं, 2-3 स्टॉप ज़्यादा ले लेंगे लेकिन दिल्ली ही चलते हैं। कि रूट अभी क्या है, पूरी 4-लेन सड़क है, 4-लेन टोटल हाईवे है, अच्छी रोड है, आराम से हम लोग पहुंच सकते हैं। तो वह डिस्कशन चल रहा है तो देखते हैं क्या डिस्कस हुआ है, जो रिज़ल्ट आता है फिर जहां भी हम लोग पहुंचेंगे वहां मिलते हैं आपसे। और आज रास्ते में बहुत रोड ख़राब थी, ऊपर से इतनी तेज़ बारिश, हम लोग ना फ़ोन निकाल पाए ना कुछ कर पाए, डायरेक्ट बस स्टॉप लेते थे, थोड़ा खाते पीते थे और फिर डायरेक्ट आ गए यहाँ पे। हम लोग अभी आ गए हैं, ये हरियाणा और दिल्ली के बीच में हाईवे है, उस पर हमने अर्ली मॉर्निंग में ही अम्बाला छोड़ दिया। अम्बाला में कल हम लोग नाइट स्टे किए थे क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा थी जैसा मैंने बताया था, तो इसलिए हम लोग रात में वहाँ रुके आराम से, क्योंकि रिस्क होता है रात में और बारिश में गाड़ी चलाना, कुछ दिखाई नहीं देता है। इसलिए हम आज सुबह निकल गए और अभी लगातार 2-3 घंटे से हम लोग राइड कर रहे थे। और उसके बाद अभी ढाबा आया है, भूख लगी थी, बिना ब्रेकफास्ट के निकले थे इसलिए भूख जमकी लगी है, तो इसलिए अभी हम ढाबे पे रुक गए हैं, पराठा वराठा ऑर्डर किए हैं, पराठा आ रहा है और उसके बाद खा के फिर हम डायरेक्ट अब दिल्ली गुड़गांव ही रुकेंगे। तो फाइनली हमारी टीम 12 से लेके बस हम 2 ही रह गए हैं, मैं और सर रह गए हैं,
और यहाँ से सर पकड़ेंगे ईस्टर्न पेरिफेरल, मैं जाऊँगा वेस्टर्न पेरिफेरल, मुझे जाना है गुड़गांव। तो ये हमारा लास्ट में साथ हम दोनों की बाइक है। तो सर ट्रिप आखिरकार फिनिश हो गई, तो कैसा कुछ रिव्यू देना चाहेंगे? देखा जाए तो राइड अच्छी हुई। अभी आप बता सकते हो कि राइड कैसा हुआ? हम लोग दिल्ली पहुंच चुके हैं, आप भाई दिल्ली निकल जाएंगे और मैं आज ग्वालियर निकल जाऊंगा। नेक्स्ट राइड पे मिलते हैं दोबारा, नेक्स्ट राइड पे मिलते हैं। और ओवरऑल एक्सपीरियंस सर कैसा रहा? ओवरऑल एक्सपीरियंस मेरे हिसाब से तो अच्छा रहा, आप बताइए आप कैसा? मेरा तो अच्छा रहा, मेरा पहली ऐसी लंबी ट्रिप थी तो मेरा तो ओवरऑल अच्छा ही रहा। बीच में कुछ जो भी गफलतें गलतियां हुई वो तो हर ट्रिप में होती हैं, लेकिन टोटल ओवरऑल इन्जॉयमेंट बहुत अच्छा रहा, सब लोग साथ में रहे। दोबारा मिलते हैं, दोबारा भी मिलते हैं किसी और ट्रिप में, और होपफुली बहुत जल्दी मिलते हैं। तो थैंक यू वेरी मच ऑल। और अभी हम अलग अलग स्प्लिट हो रहे हैं, दोनों तरफ अलग अलग दिशा में सर जाएंगे, लेफ्ट में जाऊँगा राइट। तो मिलते हैं आपसे फिर गुड़गांव में या फिर भोपाल में। बाय बाय।